रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं YMS मेंटोर्स में। उम्मीद करते हैं सारे खुश व खुरम होंगे, अपनी स्टडी से मुंसलिक होंगे, तो ज़िंदगी से मज़ा ले रहे होंगे। तो आपको ये बता दें, MCQs भी जारी रहेगी, MCQs भी चलते रहेंगे, और साथ साथ जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कोई टेंशन ना लें, सिर्फ कंसिस्टेंसी बरकरार रखे, मेहनत बरकरार रखे, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ ऑल सक्सेस। तो यहाँ पे ग्रेड 7 की जो किताब है उसमें यूनिट 1 हमने लेक्चर में पढ़ा है, डिक्लेयर किया हुआ है, साथ साथ आपको MCQs भी मिल चुके हैं। ठीक है, आज यूनिट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, 6, 7 और 8 जनरल साइंस को हम आगे लेके जाएंगे, साथ साथ MCQs भी आपके साथ शेयर करेंगे और नोट्स भी आपके साथ शेयर होंगी। और जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने कह दिया कि सर इसको कंटिन्यू रखें। असल बात यह है कि टाइम का मसला है, बुक्स ज़्यादा हैं, तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। मेरी अपनी स्टडी भी जारी है, MPhil का एग्ज़ाम और वो थीसिस सब कुछ वो मेरे सर के ऊपर है ना, वो भी एक बड़ा हेडेक है। बहरहाल इसको हम इंजॉय करेंगे, स्टडी को जब आप इंजॉय करेंगे ना तो ये आपको फ़ायदा भी देगा और इसमें आप आगे भी जाएंगे। अच्छा, स्टार्ट ले लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप कहेंगे कि सर आपने तो रेस्पिरेटरी कह दिया और सर्कुलेटरी कह दिया, तो अमेरिकन जो प्रोनंसिएशन है इसको हम एक्सेंट कहते हैं, जो स्टाइल है वो रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है। हम पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, हालात और मुल्क और इलाके के लिहाज से आप इसको बोलते जाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, बहरहाल द रियल प्रोनंसिएशन इज़ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है इंसान, अल्लाह ने एक अजीब मखलूक पैदा फरमाई है, मैं इस तरह आपको कहूँगा, इसमें बहुत से सिस्टम हैं। जिस तरह हम घरों में जो प्लम्बर लेके आते हैं और जो पाइप का निज़ाम घरों में चलाते हैं, लगाते हैं, बनाते हैं, एडजस्ट करते ताकि हमें पानी मिल सके हर जगह पे आसानी से, पाइप और जितने भी नलके हैं हमारे पास, ठीक है ना, शावर है, ये सब कुछ वो हम घरों में फिट करते हैं। तो अल्लाह ने हमारी बॉडी में भी सांस का निज़ाम, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी निज़ाम, और ख़ून का निज़ाम रखा हुआ है। इसके बग़ैर हम जिंदा रह नहीं सकेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी इज़ अमले या सांस का निज़ाम, रेस्पिरेटरी किसे कहते हैं, सांस का निज़ाम। अब देखिए, आप सांस लेते हैं सोते वक्त, जागते वक्त, दौड़ते वक्त, खुराक करते वक्त, खाते वक्त, एक्सरसाइज के वक्त, आपने कभी सांस अपनी नहीं रोक ली होगी। आपकी सांस हमेशा ये चलती रहेगी, कब तक, मौत तक। तो आप जो ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे हैं, तो इस निज़ाम को हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें जो तफसीली बातें वो मैं बताऊंगा, आपको क्लियर होंगे बिल्कुल। अब सर्कुलेटरी क्या है, खून जो बॉडी में दिल से लेके हर खुलिए तक ये खून पहुंचता है, जिस तरह हमने घरों में समरसेबल जिसको हम कहते हैं, या मशीन जिसके ज़रिए से हम पानी निकालते हैं ज़मीन से, उस मशीन और पाइप का जो निज़ाम है घर में हमने फिट किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह हमारी बॉडी में अल्लाह ने हर्ट बनाया हुआ है, पैदा किया हुआ है, साथ साथ खून की वरीदे भी हैं, रगे भी हैं। तो ये निज़ाम जो हमारी बॉडी में है और इसके ज़रिए से खुराक वो हर खुलिए तक पहुंचती है, तो इस निज़ाम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, आगे चलते हैं, यहाँ पे रीडिंग भी कर लेंगे और साथ साथ जो मेन आइडिया है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अच्छा, आवर बॉडी, मैं आपको पहले ख़ुलासा बताऊं, या यहाँ पे पहले ख़ुलासा बताऊंगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, या ये जो टॉपिक आज मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ इसमें क्या है, याद रख ले, जो भी काम हम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तवानाई की ज़रूरत होती है। अब रमज़ान है, रोज़े के मिड में तकरीबन इवनिंग के बाद शाम के नज़दीक आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, आप इस काबिल ही नहीं रहते कि आप बात भी किसी से करें, ठीक है, आपको भूख लगी हुई होती है, आपको प्यास लगी हुई होती है। अब ये क्यों, ये किस तरह,
ये इसलिए कि आपने जो खुराक सहरी में लिया हुआ है वो खुराक, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो आपने इस्तेमाल की। इस तरह आप लेक्चर देने के दौरान वो एनर्जी इस्तेमाल हो गई, स्टडी के दौरान एनर्जी इस्तेमाल हो गई। ये बात याद रख ले, 90% से ज़्यादा एनर्जी दैट इज़ यूज्ड बाय ब्रेन, दिमाग, 90% से ज़्यादा एनर्जी बॉडी का, तवानाई का, वो दिमाग इस्तेमाल कर रहा होता है। याद रख ले, एक्सरसाइज में, बातें करने और इस तरह बाकी जो अफ़ाल है उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, तफसील में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो जो भी काम, जो भी एक्टिविटी आप दुनिया में कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? ये एनर्जी खुराक से मिलती है। जब आप खुराक खाएंगे तो आपकी बॉडी में वो हज़म हो जाएगी वो खुराक, और उससे एनर्जी रिलीज़ होगी। वही एनर्जी आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी एक्टिविटी को करने में। बस ये बात है। अब एनर्जी लेने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उस अमल को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या है? इसमें जो ऑक्सीजन हम यहाँ से अंदर लेके जाते हैं लंग्स में, फेफड़ों में, तो इस लंग्स में छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है। ये ब्लू और रेड जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? कैपिलरीज हैं। अब ये कैपिलरीज इन ग्रेप्स की शक्ल में जो एल्वियोलाई हैं इसमें, ये बिल्कुल एम्बेडेड हैं, इसमें अंदर मौजूद हैं। कैपिलरीज और एल्वियोलाई के दरमियान तकरीबन 1 मिलीमीटर का फासला है, 1 मिलीमीटर तकरीबन, यहाँ पे पढ़ेंगे अगर आ गए। ठीक है, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमने अंदर लेके गया वो ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोलाई से कैपिलरीज में वो ऑक्सीजन रह जाती है, और कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होती है वो एल्वियोलाई में क्या होता है, यहाँ पे रिलीज़ होता है। यानी ऑक्सीजन वो एल्वियोलाई से कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा यहाँ पे लंग्स तक, और लंग से फिर बाहर नोज़ या माउथ के ज़रिए हम वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। आप सोचिए, आप सांस लेते हैं, देखिए लेते हैं ना, तो जो अंदर आप जो गैस लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन होता है, और वापस जो गैस वापस लेके बाहर आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर लेके जाना इसको इंस्पिरेशन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके आना इसको एक्सपिरेशन कहते हैं। दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सांस लेना, ब्रीथिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, यहाँ एल्वियोलाई में और कैपिलरीज जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ऑक्सीजन यहाँ रह गए और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में रह गया। अब ये एक्सचेंज तबादला हुआ, इस तबादले को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब ये ऑक्सीजन कैपिलरीज से वेंस आर्टरीज में जाएगा और हर खुलिए तक पहुंचेगा ये ऑक्सीजन। अब हर खुलिए में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होंगे। अब एनर्जी बॉडी में तवानाई के तौर पर इस्तेमाल होगी। ये एनर्जी पानी वो सांस लेते वक्त, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर या एक्सपिरेशन के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो बाहर आएगा। ठीक है, तो एनर्जी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट मटेरियल वो बॉडी से बाहर आएंगे। इस सारे निज़ाम को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, और इस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हर्ट इन्वॉल्व है, इसमें वेसल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें एल्वियोलाई, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। बात समझ आ रही है? लंग्स और ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक समरी मैंने बता दिया, फिर लेक्चर लेंथी हो जाएगी। अच्छा, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट फंक्शंस। हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है डूइंग, ताकि करे डिफरेंट फंक्शंस, मुख्तलिफ अफ़ाल, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, जंपिंग, एक्सरसाइज, सब कुछ। इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप एनर्जी नहीं ले रहे, यानी आप खुराक नहीं खा रहे, 5 दिन आप खुराक ना खाएँ, तो आप बिल्कुल एक ही जगह पर सड़ेंगे, मरेंगे। ठीक है, ऑल आवर एनर्जी कम्स फ्राम द फूड वी ईट। जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से आती हैं? खुराक से। हर किस्म की खुराक हो उसमें एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पे देख के आपको समझ आ जाएगी। द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉल मालिक्यूल्स। जो खुराक हम खाते हैं इज़ ब्रोकन डाउन, वो तकसीम होता है इन टू स्मॉल मालिक्यूल्स, छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तकसीम होता है। सीधी सादी बात है, जब आप रोटी खाते हैं तो सारा रोटी तो मुंह के अंदर नहीं ले जाते, एक एक नवाला वो आप लेते हैं, वो एक नवाला फिर बॉडी में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में
इंटेस्टाइन आंत में उसकी ब्रेक डाउन होती है, और ये नवाले में जो ग्लूकोज होता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होता है, लिपिड्स होते हैं, वो सारे फिर उससे अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स से ये मतलब है, लाइक ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज से एनर्जी बॉडी में हासिल होती है, जानवरों की बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, ग्लूकोज इसका फार्मूला है C6H12O6। अब एनर्जी बॉडी को जब दरकार होगी तो ऑक्सीजन जो हम लेके अंदर ले जाते हैं बॉडी में, ये ऑक्सीजन किसके साथ ये ऑक्सीजन मिलेगी, ये इस ग्लूकोज के साथ, और इसकी ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी रिलीज होगी। ये एक फिनोमेना है जो हर जानदार में ये फिनोमेना, ये अमल होता है, बस सिंपल प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में। क्या फार्मूला है, बेसिक क्या बात है, ग्लूकोज जो खुराक में मौजूद होते हैं, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी रिलीज़ होगी, बस। इसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, लेकिन ये बिल्कुल आप याद कर ले, इसकी वजह से ये एनर्जी का जो सिस्टम है, एनर्जी की ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। अच्छा, सेल्स यूज़ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी, खुलिए वो ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं ताकि एनर्जी हासिल कर सके। अब एनर्जी है क्या, एनर्जी इज़ द पावर टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में एनर्जी है, तवानाई है, दो तीन दिन में खाना ना खाऊँ तो मैं, मुझे यकीन है मैं आपको लेक्चर नहीं दे सकूँगा। वजह यह है कि मेरी बॉडी में हर खुलिए में वो ताकत नहीं है आपके मैं आपको लेक्चर दूँ। तो एनर्जी क्या है, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, एनर्जी। आप सुबह जो हैं घर से स्कूल की तरफ आते हैं, रास्ते में धक्के खाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी चढ़ते हैं गाड़ी में, कभी उतरते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी क्या असेंबली, ये सब कुछ आप एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एनर्जी ना रही तो आप एक जगह पे बिल्कुल लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, आप कहेंगे कि भाई मुझे मत छोड़ो, सॉरी मुझे मत छेड़ो, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है, तवानाई भाई, मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, आप ज़रूर कहेंगे। तो एनर्जी क्या है, काम करने की क़ुव्वत को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी इज़ रिलीज फ्राम बॉडी बाई द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। एनर्जी कब पैदा होती है बॉडी में, एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है, जब खुलिए में रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन क्या है, मैंने पहले भी समझा दिया, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलके एनर्जी का रिलीज़ होना, ये है रेस्पिरेशन, और ये अमल हर खुलिए के अंदर होता है। हमारी बॉडी में बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलके एनर्जी रिलीज़ होता है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया खुलिए के अंदर होता है। ठीक है, और रिस्को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये अमल खुलिए के अंदर होता है, हर खुलिए में ये प्रोसेस होता है। बात समझ आ रही है या नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच स्लोली रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड मॉलिक्यूल्स। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, खुलिए की तनफ्फुस या सांस लेने की अमल खुलिए में जो है वो क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये एक के बाद दूसरा कीमियाई अमल है, विच स्लोली रिलीज एनर्जी। यहाँ पे सीरीज, ये बहुत लेंथी बात है, फर्स्ट सेकेंड में आप पढ़ेंगे सीरीज, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांस, अब वो बहुत जो है वो ऊपर हम जाएंगे, लेकिन सीरीज से यहाँ पे बहुत बातें मुराद है। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अच्छा, तो स्लोली रिलीज इज एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड मॉलिक्यूल्स, खुराक में जो मॉलिक्यूल्स स्टोर हुआ है, अल्लाह ने खुराक में जो एनर्जी खुराक में जो मौजूद है वो एनर्जी रिलीज़ होगी, एक सीरीज कीमियाई अमल अवामिल के तहत, एक रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन, उसके बाद क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, और हम जो है हमें पता भी नहीं चल रहा होता, हम सिर्फ खाना खाते हैं, भागते दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं, लेक्चर देते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ओ ये गाना बजाना, इधर उधर जाना, ये सब कुछ, ये जितने भी अवाल हैं, ये हम खेल और सब कुछ, ये इसके पीछे क्या है, इसके पीछे एनर्जी है। अब ये एनर्जी अल्लाह हमारी बॉडी में पैदा कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलता, तो ये अल्लाह का निज़ाम है, हर बॉडी के अंदर ये निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ये सब कुछ संभाल रहा है। ठीक है, हम साइंस में सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग सेल, ये ज़रूरी है हर जिंदा खुलिए के लिए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़रूरी है। इट अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ, ये अमल सारी ज़िंदगी जारी रहेगी, सारी ज़िंदगी का मतलब ये है जब तक ये दुनिया कायम है तो ये निज़ाम चलता रहेगा। अब यहाँ पे सारी ज़िंदगी से मुराद ये भी है जब तक एक इंसान ज़िंदा है तो ये अमल जारी रहेगा, क्लियर है आप। अच्छा, अब रेस्पिरेशन वो दो तरह की है,
एक हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हमारे पास है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे फिर एक साइंस में जब भी ए या ए एन आ जाता है ना, तो इसका मतलब है विदाउट। क्या मतलब होगा? विदाउट। अच्छा, एरोबिक, एरोबिक से ज़ाहिर ही यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है एरोबिक, तो एयर हवा, ऑक्सीजन, एयर से मोस्टली मुराद ऑक्सीजन। एन एरोबिक बग़ैर ऑक्सीजन के। नॉर्मली अब आप कहेंगे कि सर हम जो सांस लेते हैं ये किस तरह का रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक है या एन एरोबिक? तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलता है और ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज़ होता है। लेकिन लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में, स्पेशली बैक्टीरिया में, इस तरह होता है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी में भी ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। किस तरह? जब भी हम जिम या एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, जिम, जिम तो जानते हैं जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो हम जो मसल्स बनाते हैं ना, इस तरह जो मसल्स होते हैं यहाँ पे, आपको पता है ना, ये जो मसल्स बनाते हैं ट्राइसेप और बाइसेप, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ये बाइसेप और ट्राइसेप का जो वर्जिश है वो लगाते हैं, तो यहाँ पे उतनी ही ऑक्सीजन नहीं पहुँचती और जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन होती हैं बग़ैर ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज हैं वो ब्रेक डाउन हो के यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड, और हमारे जो बाइसेप है और जो ट्राइसेप है इस तरह मोटे नज़र आते हैं। फिर यहाँ पे लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है और ये लैक्टिक एसिड यहाँ पे जम जाते हैं इस तरह। बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? तो यहाँ पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी है, ऑक्सीजन उतनी मिकदार में नहीं है जितना चाहिए, तो क्या होता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी कम रिलीज़ होती है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। तो हमारी बॉडी में भी ये अमल होता है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज लगाते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं। बस बात ख़त्म। अब इसमें ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो आप भी कन्फ्यूज़ होंगे और यहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, सेलुलर, तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, आपसे कोई पूछे रेस्पिरेशन वो कितने टाइप की हैं, टाइप्स बताएँ, तो आप क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो बग़ैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में या बग़ैर ऑक्सीजन की ये प्रोसेस होता है। बस सिंपली बात है, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, बस आपको यहाँ तक आना चाहिए। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म की हैं। इट कैन टेक प्लेस विद और विदाउट ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के बग़ैर और ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन शामिल ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन होती है। इफ़ इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने बता दिया, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में का ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे 36 ATP एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये प्रोड्यूस होंगे। एन एरोबिक में सिर्फ 2 ATP। ATP क्या है? ATP करेंसी है, एक मुल्क की जो करेंसी होती है ना, आप किसी को पैसे देंगे तो आपको कोई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आप पैसे देंगे, फीस देंगे तो आपको सबक पढ़ाया जाएगा, इस तरह है ना। आप पैसे देंगे तो आप गाड़ी खरीद सकेंगे। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी ATP की शक्ल में मौजूद होते हैं। आगे जाके आप ATP और सब कुछ पढ़ेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन ना ले, लेकिन आपकी आपको समझाने के लिए मैंने ATP और ये मौजूद है, मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, तो इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वही ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, लेकिन 36 ATP प्रोड्यूस नहीं होंगे, सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मैंने बता दिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ये रिएक्ट करता है, शामिल होता है, रिएक्शन होता है इसका ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑफ सेल खुलिए में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की ग्लूकोज के साथ टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि ज़्यादा मकदार में तवानाई खारिज हो सके, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज द वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट फाजिल मादा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला है CO2 एंड वाटर, वाटर का फार्मूला है H2O, ये प्रोड्यूस होंगे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, फजूल मादे के तौर पर ये दोनों प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब ग्लूकोज ये कहाँ पे हैं, खुलिए में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं सांस के दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को हम लंग्स, और लंग्स से फिर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से फिर वेसल्स, और वेसल्स से फिर खुलियों में ये ऑक्सीजन आ जाती है। अब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज कहाँ से ये ग्लूकोज आया हुआ होता है, जो खुराक हम खाते हैं वो खून, रगों में वो खुराक
खुलियों तक पहुंचता है ग्लूकोज की शक्ल में, तो खुराक से ग्लूकोज आ जाता है और सांस लेने से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में मिलके क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और पानी रिलीज़ होता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये हम वापस बाहर लेके आते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आप सांस के दौरान जो गैस आप खारिज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अब आप कहेंगे कि पानी कहाँ पे है, ये पानी सर्दी में आप किसी शीशे के ऊपर आप मुंह से इस तरह गैस निकालें तो आपको शीशे के ऊपर सर्दी में इस तरह के ड्रॉप्स नज़र आएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इसमें और भी बातें हैं लेकिन वो अभी यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, पानी रिलीज़ होगा और एनर्जी रिलीज़ होगी, ये दोनों बाहर आएंगे क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये फाजिल मादे हैं, ये बॉडी में रह के नुकसान पैदा होगा और एनर्जी जो है वो बॉडी में एटीपी की शक्ल में स्टोर होंगी। हमारे पास घरों में संदूक है, उसमें हम पैसे रखते हैं, जहाँ पे भी उसका इस्तेमाल होता है वो लेके वहाँ से पैसे हम निकालते हैं या बैंक में पैसे पड़े रहते हैं, जिधर ज़रूरत होती है वहाँ पे हम पैसे लगाते हैं, बैंक से निकाल के सब्ज़ी लाते हैं, ठीक है, गाड़ी ख़रीदते हैं, फ़ीस जमा कराते हैं, जो भी काम हमें करना होता है पैसों पे तो हम बैंक से एटीएम मशीन से वो निकाल लेते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में एनर्जी वो हर वक्त पड़ी रहती है एटीपी की शक्ल में, एटीएम मशीन की शक्ल में, तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो ख़ुद ब खुद वो एनर्जी यहाँ से मशीन से यानी एटीपी की बोरी से, एक बोरी है एटीपी, यहाँ से एनर्जी खुद बहुत इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ से खुराक हम खाते हैं, यहाँ से एटीपी वो एनर्जी वो स्टोर होती चली जाती है और जब हम कोई काम करते हैं तो वो एनर्जी इस्तेमाल होती चली जाती है, तो ये निज़ाम चलता रहता है और इस निज़ाम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बात समझ आ रही है। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात है। एन एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एनएरोबिक में साइटोप्लाज्म, खुलिए के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो इलाका है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता है, ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के उसकी ब्रेकडाउन होती है और लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनता है, अल्कोहल जो शराब बनता है, यहाँ पे भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल होता है। डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आप कन्फ्यूज़ होंगे, आप पागल हो जाएंगे यहाँ इस लेवल पर। अच्छा, इफ़ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, देन सम सेल्स टेम्पररली शिफ्ट टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हमारी बॉडी में भी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, जो ग्लूकोज हैं वो उसकी कन्वर्जन होगी। अब यहाँ पे देख ले, अजीब निज़ाम है, अगर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे इसको एनर्जी चाहिए इन मसल्स को, तो ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे अगर एनर्जी ना मिली तो ये खुलिए ये डेड हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे। तो अल्लाह ने एक अल्टरनेट प्रोग्राम किया हुआ है, जब भी ऑक्सीजन अगर नहीं है तो यहाँ पे 2 ATP प्रोड्यूस होगी ताकि यहाँ का काम चल सके। बात समझ आ रही या नहीं, ये गाड़ी में जब पंचर आ जाती है तो हम स्टपनी लगा लेते हैं ना, जो एक टायर हमारे पास पड़ा होता है वो हम गाड़ी को लगा लें ताकि वो पंचर की दुकान पर हमें पहुँचा सके। बात समझ आ रही आपको या नहीं। तो अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ गई मसल्स में तो अल्लाह ने ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का निज़ाम ही बनाया हुआ है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजाई में ये निज़ाम चलता रहता है, ये नॉर्मल निज़ाम है उनके लिए, उनके लिए उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ पर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता रहता है, ठीक है। अच्छा, दिस रिलीज इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे कम मकदार में एनर्जी रिलीज़ होगी फ्राम फूड खुराक से एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की नस्बत एन एरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज़ होती है ताकि वो काम सिर्फ चल सके। वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी लैक्टिक एसिड और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब फाजिल मादे इस रेस्पिरेशन में वो क्या होंगे, लैक्टिक एसिड होंगे या अल्कोहल होंगे, अल्कोहल तेजाब शराब ये इन चीज़ों को कहते हैं, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा और ग्लूकोज से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। तो इसको फिर हम अपर क्लासेस में कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये बातें आगे आ रही है तो फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से हिस्से इन्वॉल्व है, किस तरह, मैंने खुलासा बताया भी हुआ है लेकिन जो बातें ज़रूरी हैं वो आपके साथ फिर हम शेयर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होता है ताकि आपको सबक का जो मेन आइडिया है, थीम है, वो समझ आ जाए। बाकी आप हमें भी दुआओं में याद रखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आऊँ और आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँ। दुआओं की दरख्वास्त हैं। अल्लाह हाफिज़।